यस बैंक के शुरू में इस साल अब तक 30% की गिरावट आ चुकी है। जानते हैं Q4 के अपडेट के बाद एनालिस्ट ने इस स्टॉक के लिए क्या सलाह दी है। देश के प्रमुख प्राइवेट बैंकों में से एक यस बैंक का शेयर सोमवार यानी 10 अप्रैल को NSE पर 1.30% गिरकर 15.20 रुपए के भाव पर बंद हुआ। इसके साथ ही इस साल की शुरुआत से अब तक यस बैंक का शेयर करीब 29.79% टूट चुका है। यस बैंक के शेयरों का पिछले साल का सबसे उच्चतम स्तर 24.75 रुपए है और फिलहाल इसके शेयर इससे करीब 38.59% की गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। एनालिस्ट की माने तो बैंक के शेयरों में आगे भी कमजोरी जारी रह सकती है। ट्रेंड लाइन पर मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक यस बैंक के शेयरों को इस समय करीब 12 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं। इनमें से किसी ने भी यस बैंक को बाय रेटिंग नहीं दी है। 12 में से 9 एनालिस्ट ने स्टॉक को सेल रेटिंग दी है, वहीं 3 ने इसे होल्ड रेटिंग दी हुई है। यस बैंक ने पिछले हफ्ते अपने मार्च तिमाही के बिजनेस को लेकर एक अपडेट जारी किया था। बैंक ने बताया था कि 31 मार्च को खत्म हुई तिमाही में उसका कुल लोन और एडवांस सालाना आधार पर 14% बढ़कर 201,523 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो इसके पिछले साल की इसी तिमाही में 1,81,052 करोड़ रुपए था। बैंक ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट 12,847 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 12,667 करोड़ रुपए था। यस बैंक का कुल डिपॉजिट मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 10.6% बढ़कर 2,18,018 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,87,192 करोड़ रुपए था। वहीं तिमाही आधार पर बैंक का डिपॉजिट करीब 2% बढ़ा है। यस बैंक का मार्च तिमाही के अंत में कुल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़कर 92.4% रहा, जो मार्च 2022 में 89.7% था। वहीं इसका लिक्विडिटी रेशियो बढ़कर 126.3% पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 123.3% था। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आम तौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया, तो आप अंदाज़ा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि World War II जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था, जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी जो कि उनके आगे के लिए काम काज दिखा करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर टू के अंदर।